मैगी हर किसी को पसंद होती है, खासकर बच्चे तो सुबह शाम मैगी खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये रेसिपी बच्चों की फेवरेट होती है। आपने मैगी तो बहुत खाई होगी और बनाई भी होगी, पर क्या आपने पाया नहारी मैगी बनाई है? नहीं बनाई तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शबीना, मैं आपका शबीना जी के किचन में वेलकम करती हूँ। मैगी बनाने के लिए मैंने 2 चॉप किए हुए टमाटर लिए हैं, 2 प्याज ली है, गाजर चॉप कर लेंगे, 1 हरी मिर्ची को छोटा छोटा काट लिया है, हरी धनिया की पत्ती बारीक काट ली है, 1 कटोरी मटर ली है और 3 मैगी पाए हमने उबाल के लिए हैं, ये एकदम गल गए हैं। अब एक बर्तन में 2 से 3 छोटे चम्मच तेल डालेंगे और तेल गर्म होते ही हम पहले कटी प्याज और गाजर ऐड कर देंगे, फिर मटर भी डाल देंगे, हल्का तीखे के लिए हरी मिर्च और चॉप किए हुए टमाटर भी डाल देंगे, नमक स्वादानुसार ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिलाकर सब्जी थोड़ी गला लेंगे, फिर 1 छोटा चम्मच टमाटर केचप और 1 छोटा चम्मच चिली सॉस, 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस और 1/2 छोटा चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके इसमें पाया ऐड कर देंगे। तीन कप पानी डालेंगे, मैगी को ऐसे तोड़ के डाल देंगे। और मैगी के मसाले को भी ऐड करके इसे अच्छे से मिला देंगे और बस 2 मिनट ढक के पकाएं। देखिए बनके तैयार हो गई है ये हमारी स्पेशल पाया नहारी मैगी, तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खा पियो खुश रहो।